नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कनु प्रिया एक काव्य, जो कि 12वीं हिंदी एवं भारतीय में विशेष अध्ययन दिया हुआ है। इसमें से 10 अंकों के लिए प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस काव्य को लिखा है महान साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। दोस्तों, ये जो कनुप्रिया साहित्य एक काव्य जो है बहुत बड़ा है। हमारी पुस्तक में इसका सिर्फ छोटा सा भाग दिया हुआ है। कनुप्रिया भारत के 10 सबसे सर्वश्रेष्ठ साहित्य की सूची में आता है, यानी कि आप समझ सकते हो कि ये कितना प्रसिद्ध है, कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेखक परिचय देख लेते हैं। दोस्तों, कनुप्रिया इस रचना के रचयिता हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो चुका है, आप सब जानते हैं। तो इनकी शिक्षा कुछ इस प्रकार से है। इन्होंने BA तथा MA किया है हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर में। इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई थी। इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। तो इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं दोस्तों, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, मुर्दों का गाँव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान, नदी प्यासी थी, सृष्टि का आखिरी आदमी, सिद्ध साहित्य, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानियाँ कहानी, पश्चिंती। तो दोस्तों, कनुप्रिया का मतलब क्या होता है? कनुप्रिया अर्थात कनु, श्री कृष्ण की प्रिय राधा। तो ये पूरा काव्य इसी पर आधारित है, श्री कृष्ण और राधा के प्रेम और महाभारत के युद्ध पर। यहाँ पर राधा श्री कृष्ण से कुछ सवाल पूछती है कि हे कृष्ण, क्या महाभारत का युद्ध जरूरी था? राधा कहती हैं कि मुझे नहीं लगता ये युद्ध जरूरी था। इसमें सिर्फ हार हुई है लाखों महिलाओं की, किसी ने अपना बेटा, किसी ने पति, तो किसी ने अपना भाई खोया। राधा कहती हैं कि मेरे अनुसार प्रेम, प्यार ही सबसे बड़ा, सबसे आगे है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि क्या है इस काव्य में, कनुप्रिया में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। पहला विभाग देख लेते हैं, जिसका नाम है सेतु मैं। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पगरख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में अब इन सुने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कांपता सा, यह छूट गया मेरा यह सेतु जिसको जाना था वह चला गया। दोस्तों, यहाँ पर अलंघ्य का मतलब होता है इतनी लंबी दूरी जिसे पार ना किया जा सके, बहुत लंबी दूरी। तो यहाँ पर राधा श्री कृष्ण से कह रही हैं। देखो दोस्तों, इस पूरे काव्य में राधा श्री कृष्ण से ही संवाद कर रही हैं, उनसे ही बातें कर रही हैं। यहाँ सेतुमय इस विभाग में राधा श्री कृष्ण से कहती हैं कि जिसे जाना था वह चला गया। देखो, सेतु मतलब होता है पुल, रास्ता। तो यहाँ इस विभाग में राधा कहती हैं कि तुमने मुझे एक सेतु की तरह, एक पुल की तरह समझा, मेरे ऊपर से गुजर कर तुम महाभारत के युद्ध में पहुँचे। देखो, हमने पहले ही काव्य परिचय में देखा था कि राधा महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थी। उनका मानना था कि युद्ध निरर्थक है और प्रेम ही सबसे बड़ा है। तो यहाँ राधा कहती हैं श्री कृष्ण से कि कुरुक्षेत्र यानी कि युद्ध में जाने के लिए तुमने मुझे एक पुल की तरह इस्तेमाल किया, हमारी दोस्ती को पुल की तरह इस्तेमाल किया। अब आता है अगला विभाग, जिसका नाम है अमंगल छाया। तो क्या दिया है देख लेते हैं। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से ना लौट। तो देखो, हम सब जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में। आज भी जब कहीं प्रेम की बात आती है तो सबसे पहला नाम राधा कृष्ण का ही आता है। हालांकि राधा श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, श्री कृष्ण की पत्नी तो रुक्मिणी थी, लेकिन फिर भी आज श्री कृष्ण के साथ राधा का ही नाम जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि राधा और श्री कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ निश्चल था। तो यही कहा गया है कि राधा रोज यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ के नीचे खड़े श्री कृष्ण को अपना ईश्वर समझकर प्रणाम करती थी। दोस्तों, इन पंक्तियों से हमें राधा का श्री कृष्ण के लिए निस्वार्थ प्रेम नजर आता है। तो राधा प्रतिदिन श्री कृष्ण को प्रणाम करती थी, पर आज राधा वहाँ नहीं जाना चाहती। राधा आज यमुना किनारे नहीं जाना चाहती, क्योंकि आज वहाँ से श्री कृष्ण की विशाल सेना महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, राधा महाभारत के युद्ध को निरर्थक बेकार मानती थी। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। तो यहाँ पर राधा अपने मन से बात करते हुए कहती हैं कि ये आसमान में उड़ती हुई धूल, कटे हुए पेड़, टूटी लताएं इस बात का संकेत दे रही है कि महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएँ जा रही हैं।
अक्षौहिणी प्राचीन समय में सेना को मापने का एक यूनिट था। एक अक्षौहिणी सेना में 109,350 पैदल सैनिक, 65,000 से ज़्यादा घोड़े, 21,870 रथ और इतने ही हाथी हुआ करते थे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है 18 अक्षौहिणी सेना, यानी कि कितनी विशाल सेना रही होगी। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इन नंबर को 18 से। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गाँव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएँ गुजर रही हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है आहत प्यार, यानी कि घायल प्यार, ऐसा क्यों कहा गया है ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कहती है राधा, राधा खुद से कहती हैं, ठीक है, उनका अंतकरण, उनका मन उनसे बातें करता है और कहता है कि हे बावरी, तू इस रास्ते से दूर हट जा और किसी लता में अपने घायल प्यार को छुपा ले। घायल इसलिए क्योंकि देखो श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहे थे और राधा नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण युद्ध में भाग ले, क्योंकि राधा का मानना था प्यार प्रेम ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो राधा खुद से कहती हैं कि हे पगली, इस मार्ग से हट जा, क्योंकि यहाँ से आज द्वारिका की यानी श्री कृष्ण की विशाल सेना युद्ध में शामिल होने के लिए जा रही है। द्वारिका यानी कि जहाँ पर श्री कृष्ण जी का साम्राज्य था वहाँ पर वो रहते थे। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पद से हट जा बावरी। राधा का मन राधा से कहता है कि मान लिया राधा कि कृष्ण सबसे ज़्यादा तेरा है, तेरे समीप है, ये भी मान लिया कि तुम कृष्ण के रोम रोम को जानती हो, पहचानती हो, पर एक कृष्ण के सैनिक तुम्हें नहीं जानते, इसलिए तुम इनके मार्ग से दूर हट जाओ, इनके मार्ग में रोड़ा ना बनो, बाधा मत उत्पन्न करो। यह अम्रवृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे ना आने पर सारी शाम इस पर टिक, उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। देखो दोस्तों यहाँ शुरुआत में राधा खुद से ही बात करती है, उनका अंतकरण कुछ सवाल करता है राधा से। तो यहाँ राधा का मन उनसे कहता है, उन्हें याद दिलाता है कि ये आम की डाल तुम्हारे कनु की अर्थात तुम्हारे कन्हैया की अत्यंत प्रिय जगह थी। जब भी तुम यहाँ नहीं आती थी या तुम्हें आने में देर हो जाती थी, तब कृष्ण तुम्हारे इंतजार में यहीं खड़े रहते थे और बांसुरी बजाया करते थे। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम उजाड़ नहीं दिया जाएगा। तो देखो यहाँ राधा का अंतकरण उनका मन उनसे कहता है कि आज आम की डालिया जो तुम्हारे कृष्ण की प्रिय है, वो आम की डालिया काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापति इसी रास्ते से जाने वाले हैं और सेना के सेनापति यानी सेना प्रमुखों के रथों में ये डालिया लगती है, मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उनके रथों से लड़कर उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए इन आम की डालियों को आज काट दिया जाएगा। और सिर्फ ये डालियाँ नहीं बल्कि रास्ते के किनारे जो पावन यानी पवित्र अशोक का पेड़ है वो भी काट दिया जाएगा, क्योंकि इस पेड़ के पत्तों से तोरण बनाकर यहाँ से गुजरने वाली सेनाओं का स्वागत किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस गांव के लोगों को दंड मिलेगा, उस गांव को ही बर्बाद कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ हैं, उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हों। तो यहाँ राधा खुद से कहती हैं कि हे राधा, तुम दुखी क्यों हो रही हो, इसमें दुख होने वाली बात नहीं है कि कृष्ण तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे साथ बिताए हुए समय को भूल गए हैं, तुम ये सोचकर उदास मत हो जाओ कि इस विशाल सेना की भीड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला समझने वाला कोई नहीं है, बल्कि तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि इतनी विशाल सेना, इतनी बड़ी सेना सिर्फ तुम्हारे कृष्ण के पास है। तो देखो इन पंक्तियों से हमें राधा के मन की बात पता चलती है कि वे महाभारत के युद्ध को गलत मानती थी, उन्हें लगता है कि कृष्ण उन्हें उनके प्रेम को भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी राधा कृष्ण की भलाई के बारे में ही सोचती हैं, उन पर गर्व करती हैं। तो दोस्तों यही होता है सच्चा प्रेम, प्रेम का दूसरा नाम ही होता है भरोसा विश्वास। अब आता है तीसरा विभाग, एक प्रश्न। देखो इस विभाग का नाम है एक प्रश्न, यानी कि यहाँ पर राधा श्री कृष्ण से कुछ सवाल करती है। अच्छा मेरे महान गुरु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूँ कि मेरे सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूँ कि पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है।
तो यहाँ राधा श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे मेरे महान करुण, मेरे कृष्ण, चलो मैं कुछ समय के लिए ये मान लेती हूँ, मेरा प्रेम वो हमारी प्रेम भरी बातें झूठी थी, बेकार थी, सिर्फ मेरी कल्पना थी। मैं ये भी मान लेती हूँ कि महाभारत का ये युद्ध ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि ये सत्य असत्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई है। अब इसके आगे क्या दिया है देख लेते हैं। तो भी मैं क्या करूँ कनु, मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। तो यहाँ राधा कहती हैं कि हे कृष्ण, मैं क्या करूँ, मैं आज भी तुम्हारी वही बावरी मित्र हूँ, बावरी अर्थात पगली नादान, मुझे सिर्फ उतना ही पता है जितना तुमने मुझे बताया है, और जितनी भी बातें तुमने मुझे बताई हैं उनसे मैं तुम्हारे कार्यों को तुम्हें नहीं समझ पाई हूँ। देखो अब हम आगे देखेंगे, आगे जो पंक्तियाँ पढ़ने वाले हैं उनसे हमें पता चलेगा कि क्यों राधा महाभारत के युद्ध को निरर्थक मानती थी, क्यों उनका मानना था कि ये युद्ध ज़रूरी नहीं है। और हाँ, हमें ये भी पता चलेगा कि महाभारत का युद्ध कितना भयानक था, क्या परिणाम रहा था इस युद्ध का। अपनी यमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है, धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ जर्जर पताकाएं किसकी हैं। तो यहाँ राधा श्री कृष्ण से पूछती हैं कि जिस यमुना नदी के किनारे बैठकर नदी के पानी में मैं खुद को देखा करती थी, आज उस नदी में बहुत सारी नाव जा रही हैं जिस पर हथियार लदे हुए हैं, ये हथियार किसके हैं, नदी के धार में ये जो टूटे हुए रथ बहकर आ रहे हैं ये रथ किसके हैं। इसके बाद आगे क्या दिया है, हारी हुई सेनाएं जीती हुई सेनाएं नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटना युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। चारों दिशाओं से उतर कर उड़ उड़ कर जाते हुए गृद्धों को यानी कि गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। तो यहाँ राधा श्री कृष्ण से पूछती हैं, ठीक है, उनसे सवाल पूछती हैं कि युद्ध में हारी सेना, युद्ध में लगने वाले नारे, लोगों के रोने की आवाज़ें, युद्ध से भागे हुए सैनिकों से युद्ध के बारे में सुनी भयानक बातें, क्या ये सब सही हैं। गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, क्या इन्हें तुम बुलाते हो, जैसे तुम बांसुरी बजाकर भटकी हुई गायों को बुलाया करते थे। गिद्ध उड़कर जा रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, मतलब क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं गिद्ध पक्षी सिर्फ मरे हुए शरीर से मांस नोचकर खाता है, और यहाँ पर कहा गया है कि गिद्ध उड़कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। उत्तर दिशा में क्यों, क्योंकि कुरुक्षेत्र उत्तर में है और वहीं पर महाभारत का युद्ध हो रहा है, और युद्ध में बहुत से सैनिक मरे होंगे जिनका मांस खाने के लिए एक गिद्ध उड़कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। तो यही सवाल राधा कृष्ण से पूछती हैं कि इतने बड़े युद्ध का, इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है, तुम हो। अब आगे देख लेते हैं, जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। तो राधा कहती है, तुमने मुझे जितनी भी बातें बताई हैं उनसे मैं सिर्फ इतना ही समझ पाई हूँ कि अभी भी बहुत कुछ है जो कि मैं नहीं जानती तुम्हारे बारे में। आगे क्या दिया है, अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो सार्थकता क्या है बंधु। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु, परिसार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु। तो देखो यहाँ पर राधा कहती हैं कि हे कृष्ण, जिस तरह तुमने युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाया था कि सच क्या है, युद्ध जरूरी क्यों है, वैसे ही मुझे भी समझाओ ना। राधा कहती हैं कि चलो मान लेती हूँ, ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारे लिए मेरा प्रेम बेमतलब है, निरर्थक है, तो फिर मुझे ये बताओ कि जरूरी क्या है, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पर राधा श्री कृष्ण को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पूछती हैं कि क्या तुम्हारे लिए प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखते हैं आखिरी विभाग जिसका नाम है अर्थहीन, शब्द अर्थहीन। तो देखो राधा ने पहले श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा था कि क्या महाभारत का युद्ध ज़रूरी था, उस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ जरूरी था, क्योंकि वह सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य की लड़ाई थी। इस पर राधा कहती हैं कि मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं, मैंने इस युद्ध से कुछ नहीं पाया है, भले ही अर्जुन ने कुछ पाया हो, मैंने इस युद्ध के बाद अपना प्रेम खो दिया है। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। तो यहाँ पर राधा कहती हैं कि मैं कल्पना करती हूँ, ऐसा सोचती हूँ कि युद्ध में अर्जुन की जगह मैं हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए मोह उत्पन्न हो गया है, प्रेम उत्पन्न हो गया है,
चारों तरफ सेनाएं शांत खड़ी हो गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। मैं तुम्हारी बातें ध्यान से सुन रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे कुछ समझाते हो। तो यहाँ पर हमें राधा का श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम प्रेम भाव नज़र आता है। अब आगे क्या दिया है देख लेते हैं। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होंठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक। तो यहाँ पर राधा कहती हैं कि मुझे तुम्हारी सत्य असत्य धर्म की बातें समझ नहीं आती। दरअसल वे बातें मेरे लिए निरर्थक हैं। मैं कल्पना करती हूँ कि मैं तुम्हारी बातों को अंजूरी बनाकर पी रही हूँ। अंजूरी यानी देखो अगर हमें पानी पीना होता है तो हम दोनों हाथों को जोड़कर एक गड्ढे जैसा बनाते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं। तो इसी तरह राधा कह रही हैं कि मैं तुम्हारी हर एक बात को ध्यान से सुन रही हूँ। तुम्हारी हर एक बात तुम्हारे मुख से निकला हर एक शब्द ऐसा लगता है कि मानो रजनीगंधा के फूल से रस टपक रहा। तो ये पूरा परिच्छेद करुण रस से भरा हुआ था। यहाँ राधा श्री कृष्ण के पति अपने प्रेम का वर्णन करती है। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन 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 शब्द 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 तुम्हारे शब्द अगणित है कनु संख्यातीत पर उनका अर्थ मात्र एक है मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु। तो यहाँ अंत में राधा कहती है कि हे कृष्ण मुझे तुम्हारे हर शब्द में सिर्फ राधन 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 यही सुनाई देता है और इतनी बार सुनाई देता है कि मैं उसे गिन कर बता नहीं सकती। और मैं जानती हूँ तुम्हारी हर एक बात में तुम्हारे हर एक शब्द में कहीं ना कहीं मैं छुपी हुई हूँ। तुम्हारे हर शब्द मुझसे ही जुड़े हुए हैं पर इन शब्दों से तुम मुझे कैसे इतिहास समझाओगे कैसे समझाओगे कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है प्रेम या फिर युद्ध। कैसे मुझे समझाओगे कि तुम्हारे साथ बिताए हुए प्रेम भरे पल सिर्फ एक कल्पना है झूठ है। तो बस यहीं पर एक काव्य ख़त्म हो जाता है हमारी पुस्तक में से। असल में कनुप्रिया काव्य बहुत बड़ा है। आगे राधा कुछ और सवाल करती है कृष्ण से लेकिन हमें इतना ही पढ़ना था। तो कैसा लगा वीडियो आपको समझ अगर आ गया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ठीक है कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।